हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की तरह मैंने भी बनाई है आज अपने घर में तिल गुड़ की पापड़ी। इसका इजी रेसिपी तो आपके साथ शेयर करना बनता है। तो यहाँ लिया है मैंने 200 ग्राम सिसमे सीड यानी कि तिल, ये है गुड़, जैगरी 200 ग्राम, और यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून घी घर का बना हुआ, और यहाँ लिया है पिस्ता पानी में भीगे हुए, जो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब एक गैस में मैं सूखी कढ़ाई को बिठा दूंगी गरम करने के लिए। गरम होने के बाद मैंने इसमें सभी तिल, जो 200 ग्राम मैंने लिया था सफ़ेद तिल, इसे मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तिल को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए ही इसे हमें पकाना है। इसे हमें इस तरह छोड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा देर तक, नहीं तो ये जल जाने का डर रहेगा। और ये देखिए, ये पॉपअप होना शुरू हो गया है, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर और चला लेंगे और फिर हम इसे देखिए, इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है, काफ़ी कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है, एक सूखी प्लेट में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। सेम उसी कढ़ाई में मैंने वापस से गैस पे रख दिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 स्पून घी, आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, और ऐड कर रही हूँ इसमें गुड़, जो 200 ग्राम गुड़ मैंने लिया था। चाहे तो इसे हम थोड़ा सा मेल्ट करके भी डाल सकते हैं माइक्रोवेव में। तो ये देखिए, जल्दी ही पिघलना शुरू हो गया है और जो बड़े टुकड़े हैं उसे इस तरह से मैं स्पून से तोड़ लूँगी। ये अच्छे से गल गई है और इसमें झाग आना भी शुरू हो गया है। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि इसकी जो पाक है वो बराबर बन रही है या नहीं, क्योंकि बहुत देर तक अगर हम नहीं चेक करते हैं तो कहीं ज़्यादा पाक ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में चेक करना ज़रूरी होता है। 1 मिनट के लिए इसे पानी में छोड़ देंगे और फिर टेस्ट करते हैं। तो देखिए ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब ये अभी पाक नहीं बना है। इसे और 1-2 मिनट के लिए हमें पकाना होगा। तो वापस से मैं इसे फिर से हल्के धीमी आँच पर ही मैं इसे पका रही हूँ और इसका धीरे धीरे और थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा कलर। फिर से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ पानी में। यस, ये जो कड़क से जो आवाज़ आई है ना, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से पाक बन के रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद वाली तिल और इसे अच्छे से हिला देंगे। इसे जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए, और ड्राई हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, फिर इसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखिए ये अभी से ही कैसे चिपक रहा है। मैंने गैस बंद कर दिया था, उसके बाद ही मैंने तिल को डाला है। अब मैं एक चॉपर बोर्ड पे ही अच्छे से घी लगा ली हूँ और बेलने में भी मैंने घी लगा लिया है, और सारा जो तिल गुड़ का जो ये है मिक्सचर, इसे मैंने इस पर पलट दिया और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तो ये अगर स्पैटुला से नहीं हो रहा है, तो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, ग्लास के पीछे थोड़ा घी लगा के इसे अच्छे से पैट कर दिया। तो देखिए कितनी इजीली ये फैल रहा है, और इसे ना ऐसे करने से ये बेलने में भी बहुत आसानी हो जाती है। और कुछ कटे हुए जो मैंने पिस्ते रखे थे वो भी मैंने थोड़ा सा सजाने के लिए इस पर डाल दिया है, और इस पर अब जल्दी जल्दी अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे, नहीं तो ये एक ही जगह पर जम जाएगा, क्योंकि ठंडा होते होते ही ये टाइट हो जाता है। तो इस तरह हम जितना चाहे आप इसे पतला बेल सकते हैं। चारों तरफ से इसे इस तरह मैं घुमा घुमा कर बेल ले रही हूँ, और मैंने इसे इतना बड़ा कर लिया। अब हम इसे गरम, हल्के गरम में ही थोड़ा सा काट लेंगे, शेप दे देंगे, ताकि ठंडा होने के बाद में हम इजीली इसका पीसेस कर सकें। तो ये ऐसे बड़े धार वाला एक नाइफ लेके हम इससे इस तरह से निशान बना देते हैं ताकि इजीली ये कट जाए। अब इसे कम से कम 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए एक तोड़ के देखते हैं इसकी साउंड। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। चलिए अब मैं खा के बता दूँ कैसा बना है। रियल इट्स वेरी क्रंची, बहुत अच्छा बना है। अब मैं खा के आपको नहीं बताऊँगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये कितना क्रंची बना है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, और आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो नए फ्रेंड हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक आप तिल गुड़ एंजॉय करें।
और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी प्लीज ना भूलें। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।